स्वागत है आपका वर्ल्ड कप 2019 में। टीम इंडिया अपना अगला मैच जो है वो खेलने वाली है वेस्ट इंडीज से, जो कि 27 जून को होने वाला है। और इस मैच से पहले टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर आ रही है। क्या है दोस्तों खुशखबरी, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया की शुरुआत बहुत ही ज्यादा कमाल की रही है। 5 मैचेस अभी तक खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 मैच बारिश की वजह से रहा है ड्रॉ, यानी कि अभी तक टीम इंडिया जो है वो अनबीटन है। अगला मैच वेस्ट इंडीज से खेलने वाली है 27 जून को, और इस मैच में भी टीम इंडिया जो है वो फेवरेट है। यहां पर दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 को अगर हम देखें और टीम इंडिया को अगर देखें तो एक ही समस्या टीम इंडिया की रही है, वो है प्लेयर की इंजरी, जहां पर शिखर धवन पूरी तरीके से वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो चुके हैं। बड़ा झटका है ये टीम इंडिया को। वहीं भुवनेश्वर कुमार भी जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे थे, और वो भी जो है 2 मैच पिछले जो हुए हैं वहां पर वो नहीं खेल पाए। लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी भुवनेश्वर कुमार को लेकर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अगले मैच के लिए भुवनेश्वर कुमार जो है वो पूरी तरीके से अवेलेबल रहने वाले हैं, पूरी तरीके से फिट जो है वो रहने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये टीम इंडिया के लिए, जहां पर आपको बता दें कि इस मैच से पहले टीम इंडिया जो इंडोर प्रैक्टिस सेशन कर रही है वहां पर भुवनेश्वर कुमार जो है हमें नजर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में, जहां पर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग करते हुए भी हमें नजर आए हैं। तो बहुत ही अच्छा संकेत है ये टीम इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बॉलर है यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार। और जसप्रीत बुमराह के बाद जो टीम इंडिया की सेकंड बेस्ट चॉइस थी वो भुवनेश्वर कुमार की थी। शुरुआती मैचों में बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस भी किया, लास्ट मैच ये नहीं खेल पाए और इनकी जगह पर मोहम्मद शमी को मौका दिया गया, और शमी ने भी काफी अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन अब भुवनेश्वर कुमार जो है वो फिट हो चुके हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है टीम इंडिया के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के लिए जो है सबसे बड़ा सवाल यही बनेगा कि क्या मोहम्मद शमी को ही खिलाया जाएगा, या फिर भुवनेश्वर कुमार फिट हो गए तो भुवनेश्वर कुमार को जो है वो प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल होगा, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है अगले मैच में हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, क्या फिट होने के बाद भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए, या फिर टीम को मोहम्मद शमी के साथ ही बने रहना चाहिए? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।